नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो मार्केट रहा काफ़ी अच्छा रहा, मार्केट ने काफ़ी अच्छा मोमेंट दिया हमको। और मैंने जो आपको कल जो टारगेट दिए थे, मैंने जो टारगेट बताया था प्री मार्केट का, उसमें कम से कम 3 टारगेट आज हिट हुए हैं और मार्केट एक बुलिश साइड हमको एक मोमेंट दिया है। बुलिश कहने का मतलब प्योरली बुलिश नहीं दिया है, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल हो गया, बुलिश साइड मोमेंट दिया है। एंड कितने पॉइंट का रेंज बनाया है उसको हम थोड़ा वीडियो के एनालिसिस में देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारे एम स्टॉक के स्क्रीन पर, वहाँ एक मोटा मोटा हमको एक जानकारी मिलता है और डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा। जो कल इसने क्लोजिंग दी थी 19436 का दिया था और आज इसने जो ओपनिंग दिया 19521 का दिया, लगभग ये 75 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, 75 से 85 पॉइंट का। और इसने जो डे हाई लगाया है 19576 का लगाया है एंड जो लो लगाया है 19487 का लगाया है। ओवरऑल निफ्टी जो आज मार्केट ट्रेड करते करते जो बंद हुआ है वो हमारा पॉजिटिव साइड हुआ है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, ठीक है। उसी तरह बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी जब मार्केट में ट्रेड कर रहा था तो देखा जाए तो प्लस 350 के ऊपर ही चल रहा था, बट अभी हम थोड़ा सा ओवरऑल देखते हैं। देखिए कल का जो क्लोजिंग था 43964 का था एंड आज जो इसने ओपन हुआ 44181 पे हुआ, ठीक है दोस्तों। ये लगभग देखा जाए तो 220 पॉइंट का प्लस में गैप अप ओपन हुआ है। और इसने जो डे हाई लगाया है 44391 का लगाया है एंड जो डे लो लगाया है 44108 का लगाया है। ओवरऑल मार्केट जो क्लोजिंग दिया है प्लस में पॉजिटिव साइड में दिया है और जो प्लस में जो दिया है लगभग प्लस 250 पॉइंट का दिया है एंड क्लोजिंग जो हुआ 44213 पे हुआ, ठीक है दोस्तों। फिर निफ्टी भी देखिए पॉजिटिव है, मिड कैप भी पॉजिटिव है, निफ्टी 100 भी पॉजिटिव है। इसी तरह अगर ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो चलिए ग्लोबल मार्केट का भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में क्या सिनारियो बन रहा है। देखिए मैं सबसे पहले आपको डाउ जोन्स के बारे में बताऊंगा, डाउ जोन्स का सिनारियो क्या बन रहा है। देखिए हम अभी के चार्ट में देखते हैं, ये देखिए मार्केट, मैं बहुत दोस्तों को मेरे मालूम नहीं होगा कि डाउ जोन्स ओपन कब होता है। इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के हिसाब से जो डाउ जोन्स जो ओपन होता है 7 बजे होता है, ठीक है। 7 बजे का जो कैंडल है ये रहा, तो देखा जाए तो डाउ जोन्स जो ओपनिंग दिया है फ्लैट ओपनिंग दिया है एंड फ्लैट ओपनिंग के बाद ये जो ट्रेड कर रहा है ये डाउन साइड कर रहा है, मतलब इसमें हमको फॉल देखने को मिला है या बोल सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हुए फिर ऊपर भी गया है। ओवरऑल ये पूरे नाइट तो नहीं चलेगा, मिड नाइट तक चलेगा, तो यहाँ से एक डिसाइड हो जाता है, एक हमको रेंज मिल जाता है कि कल के मार्केट में हमारा क्या होने वाला है। अगर दोस्तों ये ओवरऑल हमारा पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग देता है तो इंडियन मार्केट में भी कुछ वैसा सिनारियो बनता है, हमेशा नहीं बनता बट बनता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डाउ जोन्स भी एक फ्लैट ओपनिंग के साथ बेरिश होने के बाद अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम नैस्डैक को देखते हैं, नैस्डैक का क्या परफॉर्मेंस रहा है आज का। देखिए ये भी देखा जाए तो 7 बजे जो ओपन हुआ है ये हमारा, यहाँ पे हमारा ओपनिंग हुआ है और ये भी जो ओपन हुआ है फ्लैट ओपन हुआ है, ठीक है दोस्तों, फ्लैट ओपन हुआ है। और नैस्डैक में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेलिंग प्रेशर इन द सेट, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और शॉर्ट पोजिशन बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। प्रॉफिट बुक करने से आपका मार्केट एकदम डाउन साइड जाता है, ओके। अब थोड़ा सा S&P को देख लीजिए, S&P का क्या रवैया है। देखिए S&P का भी कुछ मार्केट ऐसा ही है, ये भी ओपन होने के साथ डाउन साइड गया है। तो ओवरऑल ये रहा ग्लोबल मार्केट का बात। अब चलिए थोड़ा चलते हैं निफ्टी का भी चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी को अगर हम देखें तो आज का जो मार्केट रहा है हमारा गैप डाउन रहा है, गैप डाउन देखा जाए तो लगभग 80 पॉइंट का हमारा गैप अप हुआ है, ठीक है, लगभग हमारा
प्लस 80 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट ये हमारा कल क्लोज हुआ था एंड आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। ठीक है, ओपन होने के साथ मार्केट थोड़ा सा बेरी साइड गया, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, बट मैंने जो आपको कल जो एक लेवल दिया हुआ था देखते चलिए मैंने जो लेवल दिया था आपको उस लेवल के आसपास ही मार्केट, जो मैंने कल बोला हुआ था कि दोस्तों 19480 से 95 के आसपास आपका रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए कि जब मार्केट उसको तोड़ के ऊपर चला जाता है और जब वापस आता है तो वो रेजिस्टेंस जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है किस में, सपोर्ट में, याद रखिएगा दोस्तों। तो सपोर्ट में जब कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट होने के बाद ये जो एरिया है सपोर्ट जोन बन गया और देखिए क्या बुलिश मोमेंट मिला है, रैली मिली है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे और बहुत लोगों ने कैप्चर भी किया, मेरे भी क्लाइंट लोगों ने कैप्चर किया, मैंने करवाया उन्हें। ठीक है, उसके बाद तो जैसे मार्केट आज मार्केट का रवैया ही चेंज हो गया, एकदम देखिए साइडवेज हो गया मार्केट, साइडवेज हो गया मार्केट। तो साइडवेज होने पे दोस्तों किसी को फायदा हो ना हो लेकिन सेलर को बहुत फायदा हुआ, आज ह्यूज प्रॉफिट हुआ, इसको आप बोल सकते हैं ह्यूज प्रॉफिट हुआ। कैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक रेंज में जब ट्रेड करता है ना मार्केट, देखिए ये 520 वाला है और ये 548, मार्केट इससे ऊपर नहीं गया है ना, तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो अगर 30 पॉइंट के दायरे पे मार्केट वोलेटाइल हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो सेलर अपना एक पोजीशन यहाँ सेल करके बैठे रहते हैं, एक पोजीशन यहाँ सेल करके बैठे रहते हैं और अपना कुछ चीज़ों को हेज करके चलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट जब इसी के बीच में प्ले होता है ना तो आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम ये समझते चलिए एक्सपायरी का नियम, प्रीमियम जो है डीके होते चलता है, मतलब अगर 250 का प्रीमियम है इंदमनी में तो ये तो उतना डीके नहीं होता है बट फिर भी 10% 20% इस तरह डीके होते चलता है। इसका डीके होने का कारण अल्फा बीटा गामा जो भी है मैं आपको कभी फ्यूचर में बताऊंगा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेका एंड रो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ओटीएम की बात करें, बहुत सारे मित्र हमारे ओटीएम में भी रहते हैं, अगर 25 रुपये का प्रीमियम है तो वो सडनली आपका 18 रुपये हो जाएगा, सडनली आपका 12 रुपये हो जाएगा, आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा और सडनली 6 रुपये हो जाएगा, इस तरह करते करते वो 4 रुपये हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, फिर इस तरह करते 1 रुपये और फिर 70 पैसा, फिर इस तरह करते करते वो 0.5 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम डीके होना। ओवरऑल मार्केट आज काफ़ी अच्छा पैसा बनाने का मौका दिया लोगों को। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। तो इसी तरह थोड़ा सा बैंक निफ्टी का भी देखते हैं, चलिए बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन रहा है, क्या रवैया रहा है। देखिए बैंक निफ्टी भी कुछ हमारा, बैंक निफ्टी भी जो है हमारा इस प्रकार का कुछ मोमेंट दिया। देखिए गैप अप, ह्यूज गैप अप, ठीक है, तो ये जो है आपका ह्यूज गैप अप है, ये लगभग आपका देखिए कल जो क्लोजिंग हुआ था आपका मार्केट 43964 पे हुआ था एंड आज जो ओपन हुआ मार्केट ये यहाँ पे ओपन हुआ, देख लेते हैं कितने पे हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया था 44213 पे, तो ओवरऑल 250 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, गैप अप बैंक निफ्टी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो रहा है मार्केट यहाँ पे ओपन होने के साथ साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलिंग प्रेशर आया, देन अगेन मैं एक लेवल जो आपको दिया था अगर आप देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा, मैं 44100 पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, उससे पता चलता है कि मैं कितना सच बोला हूँ और कितना मेरा प्रेडिक्शन एक्यूरेट हुआ है। 44160 का जो एरिया है आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट याद रखिए जब मार्केट इस लेवल से ऊपर चला जाता है तो मार्केट ऊपर भी गया और जब वो वापस नीचे की साइड आता है तो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में। ठीक है, तो ये जो एरिया है आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया,
सपोर्ट में कन्वर्ट होने के बाद देखिए क्या बुलिश रैली मिला है दोस्तों, बुलिश रैली, इसको ही बोलते हैं बुलिश रैली, है ना। तो देखिए ये लगभग लगभग कितना अच्छा मोमेंट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट। इसको साइडवेज बोल के चलिए क्योंकि एक पैटर्न देखिए इसमें, मार्केट एक पैटर्न में मूव किया है, देखिए एक पैटर्न में मूव किया है ना दोस्तों। तो ये है ओवरऑल बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए हैं। ग्लोबल मार्केट को देखते हुए लग रहा है कि कल हमारा जो ओपनिंग होगा वो फ्लैट ओपनिंग होगा और मार्केट भी हमारा कुछ ग्लोबल मार्केट के जैसे ही परफॉर्म करेगा। तो देखिए अगर कल मार्केट हमारा जो ओपन होता है तो गैप अप ओपन होता है तो क्या कंडीशन होगा, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या कंडीशन होगा, उस चीज़ को चलिए चल के देखते हैं। देखिए दोस्तों आज का जो मार्केट है, आज का जो मार्केट है हमारा जो क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी 50 लगभग 19546 पे दिया है। देखिए दोस्तों डाटा में अलग रहता है और चार्ट में अलग रहता है, तो इसको आप अपना माइंड मत कीजिए, ठीक है। एक मोटा मोटा लेके चलिए, अगर मार्केट हमारा प्लस 60 या माइनस 60 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या सिनारियो बनता है, चलिए उसको देखते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है तो जो पहला टारगेट होगा हमारा 19580 का होने वाला है। 19580 मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है दोस्तों। दूसरा 19630 का, तीसरा 19680 का, चौथा 19745 का, एंड पांचवा मे भी कल बुलिश रैली मिल जाए तो ये सारे टारगेट हिट होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों आपको, 19780 का ये मार्केट का एक प्रिडिक्शन हो रहा है। अगर 5 मिनट के कैंडल में, 10 मिनट के कैंडल में आपका मार्केट अचीव होते चलता है तो ये सारी टारगेट हिट होते चलेंगे। बट याद रखिए कल मुझे ऐसा लग रहा है कि 580 को हिट करने के बाद या उसके आसपास जाने के बाद मार्केट एक बार सेलिंग प्रेशर में दिखाई देगा, और सेलिंग प्रेशर में अगर दिखाई देता है तो किस तरफ नीचे जाता है वो भी देख लेते हैं। देखिए जो पहला टारगेट है 19480 का, दूसरा जो टारगेट है 19445 का, तीसरा जो टारगेट है 19410 का, और चौथा जो टारगेट है 19380 का। एंड बहुत ही सिचुएशन ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेशर है सेलिंग का, तब जाके मार्केट और नीचे आने की कोशिश करेगा, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बट मार्केट है, मार्केट का बिहेवियर कुछ अजीब सा चल रहा है अभी के मार्केट में, तो उस चीज़ को भी हम पकड़ के चलते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरे हिसाब से कल मार्केट 580 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे आना चाहिए, और नीचे आने के बाद 480 के बाद एक थोड़ा सा अपसाइड मूव देगा। देन उसके बाद मार्केट अगर एक रेंज में ट्रेड करता है थोड़ी देर तो वहाँ से एक बुलिश मोमेंट दे सकता है, तो आप कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा। लाइव मार्केट में क्या डाटा चेंज होता है दोस्तों उसको अभी से प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में भी देखते हैं, बैंक निफ्टी का कल क्या सिनारियो होने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको ट्रेडिंग व्यू में बता रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू बहुत ही अच्छा वेब ऐप है। देखिए आज जो मार्केट हमारा क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी का 44208 पे दिया है, लगभग चार्ट में अलग होता है डेटा में अलग होता है, अंतर मिलेगा दोस्तों। अगर ये हमारा प्लस 150 का डिफरेंस से गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो तो क्या सिनारियो बनता है उसको देखते हैं, ठीक है। पहला 44330 का, दूसरा 44380 का, वो इसलिए दे रहा हूँ इतने पास में क्योंकि ये आपका मेजर रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। जो निफ्टी में बताया निफ्टी 50 में वैसा यहाँ भी सिनेरियो हो सकता है। तीसरा 44450 का, चौथा 44525 का, छठवा 44
630 का। एंड सातवां जो आपका मार्केट बुलिश ट्रेंड में अगर पकड़ लेता है तो 44720। ठीक है दोस्तों, आठवां भी कंसीडर कर सकते हैं 44780। ठीक है, मैं छोटे छोटे ट्रेड देता हूं दोस्तों, तो बनी बात है मैं ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो 44080 का 43980, तीसरा 43860 एंड चौथा जो टारगेट है दोस्तों 43830। ये थोड़ा सा आपका सपोर्ट जोन का रोल प्ले करेगा कल, एंड यहाँ पर भी थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। पांचवा जो है 43760 का, एंड छठवा जो है 43680 का। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, मार्केट हमारा चलो 380 पहुंच गया या गैप ऑफ ओपनिंग ह्यूज दे दिया, 450 पहुंच गया या 5 मिनट के कैंडल में 10 मिनट के कैंडल में इस लेवल पे पहुंच गया, तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि फट से 525 पे टच हो जाएगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको नीचे के साइड आपको एक मोमेंट देखने को मिलेगा। कितना नीचे जाएगा वो लाइव मार्केट में मैं एकदम एग्जैक्टली बताऊँगा, बट याद रखिए इस एरिया में आने के बाद मार्केट वापस मूव करेगा 980। बट कल देखिए कल लाइव मार्केट में क्या होता है, बट याद रखिएगा दोस्तों सोच समझ के कॉल या पुट के पोजीशन आप बनाइए। ठीक है, बड़ा सोच समझ के बनाइए। और मैं आपको हमेशा और हमेशा तीन चीज़ें समझाता हूँ, पहला स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, दूसरा रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट कीजिए प्रॉपरली, तीसरा अपने साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए। ठीक है, साइकोलॉजी को आप डेवलप कीजिए। अगर आप बहुत अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। ओके दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है, मेरे चैनल को आप पसंद कर रहे हैं, चैनल के वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो घंटी है इसमें जो घंटी बजता है, मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो न्यू अपडेट्स आपको मिल ही जाएगा विद इन अ सेकेंड। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू दोस्तों।